दीपक विशाल और स्वागत है आप सभी का बिग न्यूज 9 में। रोहतास जिला के शिवसागर में महात्मा गौतम बुद्ध और चक्रवर्ती सम्राट अशोक के विचारों को बढ़ाने के लिए थाईलैंड के भंते जी लोगों के द्वारा वाट थाई थाईलैंड बौद्ध मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहाँ रह रहे भंते जी और गार्ड पर गोलीबारी किया गया है, जो काफी दुखद है। इस घटना को सुनकर मौर्य शक्ति के संस्थापक सह राष्ट्रीय संयोजक रवि मौर्य अपने साथियों के साथ थाईलैंड बौद्ध मंदिर शिवसागर में रह रहे वहाँ थाईलैंड के भंते लोगों से मिले और इस घटना की तीव्र निंदा किए। जल्द ही मौर्य शक्ति के एक शिष्टमंडल असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी और मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन रोहतास से मिलेगी। इस तरह की घटनाएं जानबूझकर किया जा रहा है ताकि सम्राट अशोक की विचारधारा न बढ़े। आए दिन कहीं ना कहीं इस पर मौर्यवंशी समाज पर हमला होते आए हैं। रोहतास जिला के शिवसागर प्रखंड अंतर्गत जीटी रोड पर महात्मा बुद्ध के शांति संदेश और सम्राट अशोक की विचारधाराओं को फैलाने के लिए आज थाईलैंड के समाज सेवियों के द्वारा यहां पर एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसमें शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य ये लोग करते हैं। इस तरह की मानवता का कार्य करने वाले लोगों के साथ कुछ असामाजिक तत्व के द्वारा मंदिर को ध्वस्त करने के लिए, सम्राट अशोक की विचारधाराओं को खत्म करने के लिए दिनांक 22 अक्टूबर 2018 को रात में, जैसा कि सूचना मिल रहा है कि फायरिंग किया गया, जानलेवा हमला किया गया, गार्ड के साथ बदसुलूकी किया गया, मारपीट की गई, उसकी घटना को सुन करके मौर्य शक्ति का एक शिष्टमंडल आज थाईलैंड बौद्ध मंदिर में भंते जी लोगों से मिला और इनकी भारत सरकार में, भारत देश में, बिहार राज्य में महात्मा बुद्ध और सम्राट अशोक की धरती पर इनकी सुरक्षा की पूरी पुख्ता इंतजाम करने के लिए जिला प्रशासन से एक मौर्य शक्ति का शिष्टमंडल जल्द ही मिलेगा। क्योंकि यह देश अतिथि देवो भव का देश है, महात्मा बुद्ध सम्राट अशोक का देश है, सभी का सम्मान करना, भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले का देश है। अगर इस तरह कोई हमारे देश पर आए हुए अतिथियों पर कोई हमला करता है या दुर्व्यवहार करता है तो पूरा मौर्य शक्ति कुशवाहा समाज जबरदस्त तरीके से आक्रोश व्यक्त करेगा, विरोध करेगा। और इस न्यूज के माध्यम से हम असामाजिक तत्वों को भी आगाह कर देना चाहते हैं कि अपने बर्ताव में सुधार लाएं, नहीं तो अगर कहीं सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है तो यह पूरी जिम्मेवारी आप लोग, ये पूरी जवाबदेही आप पर होगी। हम ऐसे मौर्य शक्ति के शिष्टमंडल में जिला अध्यक्ष उदय कुशवाहा जी, विवेक कुशवाहा जी, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष संजू कुशवाहा जी, राजेश कुशवाहा जी, भंते जी से जो यहाँ के गुरु हैं, भंते जी लोगों से हम मिले और पूरा उनको पूरा सम्मान के साथ सम्राट अशोक की विचारधाराओं को, महात्मा बुद्ध की विचारधाराओं को जो इस देश में फैलाने का काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम कर रहे हैं, पूरी तरह सुरक्षा की गारंटी हम लोग पूरी तरह लेते हैं। और हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होता है तो मौर्य शक्ति पूरे बिहार में उग्र आंदोलन किया करेगा। हम लगातार देख रहे हैं कि खास करके मौर्यवंशी समाज पर टारगेट कर कहीं ना कहीं हमला, महापुरुषों का अपमान, अभी कुछ दिन पहले ही चंद्रगुप्त मौर्य का अपमान देश के संसद भवन में गृह मंत्री के द्वारा किया गया था, जिसका हम लोगों ने पूरे भारत भर में मौर्य समाज के लोगों ने, मौर्यवंशी समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया। ये कहीं ना कहीं सम्राट अशोक की विचारधाराओं को खत्म करने का कुचक्र चाल चला जा रहा है। हम इसकी तीव्र निंदा करते हैं और जल्द ही मौर्य शक्ति असामाजिक तत्वों को गिरफ्तारी के लिए एक शिष्टमंडल जिला प्रशासन से मिले।